हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज हमने ब्रेकफास्ट में बहुत सिंपल सा नाश्ता बनाया है, सूजी का हलवा। तो हम सब नाश्ता कर लेते हैं। तो झारखंड की बहुत सारी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। तो अभी अगस्त का समय है, तो अभी धान रोपनी काफ़ी जोरों से चल रही है। तो अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो लोग ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन पहले होता क्या था कि लोग हल चलाकर धान रोपते थे। तो अभी हम सब जा रहे हैं, यहाँ घर के पास ही एक खेत है, वहाँ पर ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। तो वो देखने के लिए दोनों लड़ाई कर रहा है बदमाश। तो हम सब जा रहे हैं खेत के रास्ते में, यहाँ काफी पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। तो आज संडे है, फन डे, और घर में हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे। तो हम लोग घर के पास ही खेत वगैरह है, यहाँ आ गए हैं और मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, हम लोग देखिए पानी में घुसे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब जो अनाज का उपयोग करते हैं वो किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत का फल होता है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि वो किस प्रकार से अनाज को उगाते हैं और हम तक अनाज पहुँचता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आऊँ। तो धान रोपने का सबसे पहला प्रोसेस होता है खेतों को तैयार करना। तो यहाँ खेत को जोता जा रहा है ट्रैक्टर से। अभी लगातार बारिश हुई है, तो जिस वजह से खेतों में पानी भरा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही समय है धान रोपने के लिए। ट्रैक्टर से काफ़ी कम समय में खेत को तैयार कर लिया जाता है, और हल चलाकर जो खेतों को तैयार करते हैं उसमें समय लगता है। तो लोग समय की बचत के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए दो बच्चे अपने फादर के साथ खेतों में आए हैं, तो वो बचपन से ही सीख रहे हैं कि किस तरीके से खेतों में काम किया जाता है। तो अच्छी बात है। तो इस खेत में धान रोपनी वगैरह हो चुकी है। Thank you.
तो यहाँ कुछ महिलाएं पीड़ा उखाड़ रही है, तो उनसे भी बात करते हैं। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? आंटी जी का आवाज़ तो आप तक नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले धान को भिगोया जाता है, उसके बाद खेत में छीटा जाता है, तो इस तरीके से बीड़ा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बीड़ा उखाड़ा जा रहा है, उसके बाद इसको खेत में रोपा जाएगा। खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है और हरियाली तो इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वह हमारा डोगी अगवाई कर रहा है और हम सब पीछे पीछे चल रहे हैं। ये रास्ता आप बुला देगा ब्राउनी। मत करो ना, पानी है, आड़ बना हुआ है। तो हम लोग खेतों के रास्ते पहुंच चुके हैं कि यहाँ एक छोटा तालाब है जहाँ काफी सुंदर लोटस के फ्लावर्स है। तो आंटी जी ने ही हमें इस जगह के बारे में बताया कि सामने एक तालाब है, बहुत सारे कमल के फूल खिले हैं, तो एक बार जाकर देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो पानी तो गहरा है इसलिए कमल का फूल तो लेने का मन हो रहा है लेकिन ले नहीं सकते हैं, पिंक और वाइट में ज़्यादा खिले हुए लग रहे हैं। ना बदमाश है ये, उछल खुद मचा रहा है, खुद के चक्कर में सबको गिराएगा। तो यहाँ मस्ती चल रहा है। ऐसी होता उनको ना खेत में मिलता है, याद है वो व्हाइट वाला फूल खिला था उस समय भी हम लोग को गिरा रहा था, कहाँ जा रहे हो? तो मैं एक्साइटेड हो जाता है। अरे वहाँ पे तो खेतों में आकर हम सभी काफी मस्ती कर रहे हैं। इसका स्पीड ऐसे ही है। अरे ये गिराएगा हमको। मी 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 सब 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 मी मी वो ना गिराएगा सबको, बदमाश बदमाश बड़ा डरिया है। कुत्ते वाला देखो, देखो अभी देखना है, बदमाश है। तो दो दिनों के लगातार बारिश के बाद आज फाइनली थोड़ी सी धूप हुई है, तो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ धान रोपा जा रहा है वो देखने के लिए। तो यहाँ कुछ महिलाएं धान रोप रही है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ कुछ महिलाएं और बच्चियाँ रोपा रोप रही है, तो बच्चियाँ तो अपने खुशी से रोपा रोपने आई है, इन्हें कोई लाया नहीं है, तो ये काफ़ी इंजॉय कर रही है और सब मिलजुल करके रोपा रोपते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। फ्रेश हवाएं चल रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का आउटिंग आपको करना चाहिए जिससे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने धान रोपते हुए या फिर बीड़ा उखाड़ते हुए मैंने नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ आपके साथ भी शेयर करूँ, आप भी देखें जाने, और जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो न्यू है जिनको ये सब नहीं पता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ का रोपा कंप्लीट हो चुका है, अब ये लोग किसी और जगह में जा रहे हैं। अरे उधर चलो, हो गया।
अब सब दूसरे जगह में जा रहे हैं। तो धान रोपा वगैरह हमने देख लिया और आपने भी शायद देख लिया होगा, तो अब चलते हैं। तो खेतों के रास्ते हम आए थे, आड़ में चलते हुए पतला आड़ बना हुआ है। चलो ब्राउनी आगे चलो। अच्छा ये कातिया है। तो ये महिलाएं भी रोपा रोपने जा रही है। अभी देखो ना और इसमें और बदमाशी कर रहा है, ज्यादा ही खुश हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए क्या करे। देखो छलांग है इधर वो सिम्बा वाला पूछ दिया है। हाँ छोटी बहन काफी समझदार है, चप्पल को हाथ में पकड़ी और चल पड़ी। कीचड़ काफी है तो चप्पल कहीं फंस ना जाए। यहाँ कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश हवा चल रही है और ये देखिए छोटी बहन पानी में खेल रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसको पानी में खेलते हुए। और ये भी ये बदमाशी कर रहा है। तो ये कातिया तब से ऐसा उछल कूद मचा रहा है, वो सबको गिरा देगा। बहुत देर हो गई दूसरा वाला। तो हमारे साथ इन तीनों का भी संडे आउटिंग चल रहा है, ये लोग भी आज खूब मस्ती कर रहे हैं। चलो चलो। कैसे बैठ गए? ये टूट जाएगा पता है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी यहां क्या कर रहा है? बना दो ना यहाँ पे। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है और ये देखिए मिनी झरना, तो हमारे लिए मिनी वाटरफॉल। तो यहाँ मस्ती चल रही है। ये रहा।
यहाँ खेतों में बहुत सारा घोंघी है, तो किसने किसने इसकी सब्जी खाई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नदी तक ये चलो ना, हो रहा आप चलते हैं फोटो खींचने। इसको घूमते हुए अब भूख लगी है, तब हम घर निकलते हैं। क्यों छुप रहा है? भूख लग रहा है। अच्छा भूख लग रहा है, चलते हैं फिर। इनको देखिए, इनको घर नहीं जाना है, तीनों पानी में खेल रही है। तो कैसा लगा आज? मजा आया। रास्ते से तार वगैरह लगा हुआ है। मेरा भाई मौसी से लड़ रहा है अपनी मम्मी से, तो भाई के पैर में और उसके स्लीपर में पूरा कीचड़ लग गया है, तो वो गुस्सा कर रहा है। उसका कहना है कि कीचड़ नहीं लगना चाहिए, तो खेतों में आएगा और कीचड़ ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे कपड़े में जो काटा वाला घास होता है तो उसका जो काटा है वो लग गया है, तो अब इसको घर जा कर के निकालना पड़ेगा। मेहनत वाला काम है ये। घर वापस आने के बाद हम सबका हाल देखिए क्या हो गया है। तो घर आते ही बहन लग गई है अपने कपड़ों में से कांटे निकालने में। भूख लगा है जैसा भूल गया। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।